ये सेकेंड लेक्चर है न्यूमेरिकल का जो बेस्ड है कूलम्स लॉ पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्री पार्टिकल ए बी सी आर अरेंज एज शोन इन फिगर, पार्टिकल बी एंड सी ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज +10⁻⁷ कूलम एंड -10⁻⁷ कूलम रिस्पेक्टिवली। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड सरफेस इज 0.1 एंड सेपरेशन बिटवीन बी एंड सी इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द मिनिमम मास ऑफ पार्टिकल ए सो दैट द सिस्टम विल एट रेस्ट इफ द पार्टिकल सी इज फिक्स्ड। निकालना है मिनिमम मास ऑफ पार्टिकल ए, ए का मिनिमम मास निकालना है सो दैट इस ये सिस्टम जो है वो रेस्ट में रहे, और कह रहा है कि सी फिक्स्ड है। ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ मास ऑफ पार्टिकल ए, इस पार्टिकल का रेंज निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम रेंज कितना हो सकता है ताकि ये सिस्टम रेस्ट में हो। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये मास मान लेते हैं कि मास ऑफ ए इस कैपिटल एम है, तो एम जी नीचे लगेगा, ये टेंशन टी हो जाएगा और टेंशन रोप में जो लगेगा वो इधर, और ये दोनों अनलाइक चार्ज है, इस पे चार्ज है -10⁻⁷ कूलम और इस पे है +10⁻⁷ कूलम। तो ये दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो चूंकि सी जो है वो फिक्स्ड है तो वो तो रेस्ट में ही रहेगा। इसको फिक्स्ड में रखने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है तो इसको फिक्स्ड में रखने के लिए एम जी का वैल्यू, तो एम का वैल्यू क्या होगा ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स टेंशन टी, तो यहाँ से निकालेंगे इसका वैल्यू। तो फर्स्ट इसके लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, कह रहा है कि ये रेस्ट में होना चाहिए, तो टी इज इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, है ना, टी इज इक्वल टू एम जी। और नेक्स्ट में हो जाएगा इसके लिए, इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि मिनिमम मास निकालना है, इसका वैल्यू कम से कम कितना हो, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी जो है टेंशन से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ आर, वो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, तब ही इसका वैल्यू कम से कम होना चाहिए मिनिमम। अगर इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता तो फ्रिक्शन फोर्स फिर इधर लगता, ये इधर आना कोशिश करता राइट साइड, मूव टेंस टू राइट, अभी मूव टेंस टू लेफ्ट है इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स राइट लग रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, तो एफ ई इक्वल टू टेंशन प्लस फ्रिक्शन फोर्स, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा एफ ई माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स ये वैल्यू लिखेंगे इसका, एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, के चार्ज है इसका, तो इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू, तो स्क्वायर इसका और बाय आर का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा म्यू एम जी जो मास है ब्लॉक बी का, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ ई का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू एम जी, जो उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू इनटू मास ऑफ द, यहाँ पे म्यू एन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन ही है एम जी। आगे चलते हैं, तो ये वैल्यू तुम्हारा के का वैल्यू हो गया 9×10⁻⁹, और चार्ज जो है उस पर 10⁻⁷ कूलम है, इस पर भी निगेटिव है, सिर्फ अट्रैक्शन हो जाएगा और कुछ नहीं, पर वैल्यू वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ का स्क्वायर बाय
पाई आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, जो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बी से सी का सेपरेशन दिया हुआ है, तो 10 का सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 0.1 मीटर का स्क्वायर माइनस म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है तुम्हारा 0.1, मास हो गया ब्लॉक बी का मास है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम रखेंगे, 5 × 10⁻³ × 10, जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्व करने पे 9 × 10⁻², ये भी 9 ही रहेगा, × 10⁻¹⁴ बाय ये 10⁻²⁺ हो जाएगा, ठीक है, ये 10⁻²⁺ हो जाएगा, माइनस ये 0.1 × 10, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो गया 5 × 10⁻³, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आफ्टर सॉल्विंग दिस इसका वैल्यू 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ वैल्यू आ जाएगा, तो टेंशन हो गया यहाँ से 4 × 10⁻³ न्यूटन, और नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा टी इज इक्वल टू एम जी, तो मास एम इक्वल टू टी बाई जी, और टी का वैल्यू हो गया 4 × 10⁻³⁰ 10, है ना, इतना केजी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा एम इज इक्वल टू 4 × 10⁻³⁰ ये 0.4 कर सकते हैं इसको, ये केजी है, और इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो एम का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 0.4 ग्राम, तो ये मिनिमम वैल्यू हुआ तुम्हारा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, अभी टेंस टू मूव इधर होना चाह रहा है, तो ये इसका वैल्यू कम रहेगा मास का, अगर मास का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो मैक्सिमम मास कितना होगा, यहाँ पे ये भी कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ द मास, मतलब मिनिमम तो निकल गया, मैक्सिमम भी निकालना है, वो दोनों के बीच का मास निकालना है कि कहाँ से कहाँ तक मास का रेंज होगा जो ये पूरा सिस्टम रेस्ट में हो, तो रेस्ट में होने के लिए मास का रेंज क्या होगा, तो मिनिमम हम लोग को निकल चुका है, मैक्सिमम निकालने के लिए जब मास का वैल्यू बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अब इधर लगेगा मैक्सिमम के लिए, तो ये इक्वेशन हो गया फॉर मिनिमम मास, मिनिमम मास का इक्वेशन हो गया ये टेंशन वाला। अब कह रहा है आगे, आगे ये कह रहा है कि मैक्सिमम मास कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम मास, मैक्सिमम मास के लिए टेंशन का वैल्यू यहाँ से जो टी का वैल्यू आएगा वो फ्रिक्शन फोर्स अब इस डायरेक्शन में लाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एफ ई, फ्रिक्शन फोर्स प्लस एफ ई का वैल्यू आ जाएगा, तो वहाँ पे पुट कर देंगे टी इज इक्वल टू एफ ई प्लस फ्रिक्शन फोर्स, एफ ई का वैल्यू था के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, प्लस एफ आर का वैल्यू है म्यू एम जी, अब सबका वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁷ का स्क्वायर बाय आर का वैल्यू तुम्हारा हो जाता है 0.1 का स्क्वायर, 0.10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 9 × 10⁻⁹ × 10⁻¹⁴ बाय 10⁻², और ये फ्रिक्शन छूट गया है, प्लस 0.1 × 10⁵, मास है 5 × 10⁻³ ग्राम में था मास 5 ग्राम, × जी का वैल्यू 10, तो ये हो गया 5
इंटू 10^-3, और इसको ऐड कर देंगे यहाँ 9 × 10^-3 प्लस 5 × 10^-3, टेंशन हो गया 14 × 10^-3 न्यूटन। और फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से टी इज इक्वल टू एम जी दिया हुआ है, तो एम का वैल्यू हो गया टी बाय जी, है ना, और टी का वैल्यू 14 × 10^-3 बाय जी का वैल्यू 10, ये हो गया 1.4 × 10^-3 के जी। और एम मैक्सिमम की बात करेंगे यहाँ से, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1.4 ग्राम। तो रेंजेस क्या हो गया, रेंज ऑफ द मास ये हो जाएगा कैपिटल एम इज इक्वल टू 0.4 ग्राम टू 1.4 ग्राम, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं हम लोग, ये है 4 चार्ज पार्टिकल ए बी सी एंड डी ऑफ चार्ज 2 × 10^-7 कूलम्ब, 2 × 10^-7 कूलम्ब, 1 × 10^-7 कूलम्ब एंड 1 × 10^-7 कूलम्ब आर फिक्स्ड एट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, तो चार्ज पार्टिकल है, तीनों वर्टिसेस पे फिक्स्ड किया हुआ है, और कह रहा है कि अनदर चार्ज पार्टिकल पी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ चार्ज −10^-7 कूलम्ब यहाँ पे है फिक्स्ड, और उसका मास भी दिया हुआ है √2 ग्राम। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कोफिशियंट, फ्रिक्शन कोफिशियंट निकालने कह रहा है बिटवीन द चार्ज पी एंड सरफेस और चार्ज पार्टिकल के बीच का निकालने कह रहा है, सो दैट चार्ज पी एट द रेस्ट इफ साइड ऑफ द स्क्वायर इज 2 dm, m लिखा हुआ है मतलब dm, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो देखो क्या होगा कि अब इसका चार्ज यहाँ पे फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ये ए बी सी और ये हो गया डी, और चार्ज इसका दिया हुआ है 2 × 10^-7 कूलम्ब, इसका चार्ज दिया हुआ है 2 × 10^-7 कूलम्ब, ये है 1 × 10^-7 कूलम्ब, ये है 1 × 10^-7 कूलम्ब, और सेंटर पे रखा हुआ है एक पार्टिकल P, उसका चार्ज है −10^-7 कूलम्ब, इसका माइनस है मतलब सब इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये भी अट्रैक्शन है, ये भी अट्रैक्शन है, ये पी पार्टिकल। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स लगा रहा है ना, ये जो फोर्स लगा रहा है इधर, इसका फोर्स हो जाएगा F1, ये दोनों फोर्स बराबर लगाएगा क्योंकि दोनों का चार्ज बराबर है, तो F1 इज इक्वल टू के क्यू पी पॉइंट का चार्ज इंटू क्यू जो दिया हुआ है सी पॉइंट का चार्ज, और सी का चार्ज और बी का चार्ज, सॉरी बी ये डी है, तो बी का चार्ज बराबर ही होगा, तो ये दोनों का चार्ज बराबर है तो दोनों का फोर्स भी बराबर होगा, तो ये F1 लाएगा तो ये भी F1, और ये F2 लाएगा तो ये भी F2, तो ये वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारा। और साइड भी दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 2 dm, √2 dm, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो √2 × 10^-1
मीटर, ये हो जाएगा तो बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये रूट टू है तो ये साइड्स तुम्हारा कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, रूट टू बाय टू मतलब वन। तो देखो यहाँ से मान लो ए इक्वल टू दिया हुआ है रूट टू डेसीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ से आर इज इक्वल टू रूट टू ए बाय टू आता है, मतलब ए बाय रूट टू, ये हो गया रूट टू बाय रूट टू। तो आर का वैल्यू वन डेसीमीटर मतलब वन इंटू टेन पावर माइनस वन मीटर, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ वन का वैल्यू हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन इंटू क्यू पी, और क्यू सी का वैल्यू टेन टू द पावर माइनस सेवन, और इसका माइनस टेन टू द पावर माइनस सेवन है तो लिखेंगे टेन टू द पावर माइनस सेवन का होल स्क्वायर बाय आर का वैल्यू है टेन टू द पावर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो एफ वन आ गया यहाँ से नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन बाय टेन टू द पावर माइनस टू, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री न्यूटन आ जाएगा एफ वन का वैल्यू। तो इसका जो रिजल्टेंट इधर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट इधर आएगा वो हो जाएगा इसका भी एफ वन कॉस थीटा, और इधर इसका भी कंपोनेंट एफ वन कॉस थीटा। तो एफ जो पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस में लग रहा है इस डायरेक्शन में वो हो गया टू एफ वन कॉस थीटा, और ये थीटा जो होगा वो एंगल 45 डिग्री होगा तो लिखेंगे 2 इंटू 9 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 कॉस 45, और कॉस 45 का वैल्यू 9 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 इंटू 1 बाय रूट टू। तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया रूट टू मतलब 9 रूट टू इंटू टेन टू पावर माइनस 3 न्यूटन। अब डायरेक्शन इस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे F2 वैल्यू हो जाएगा K QP QB या QA QB QA और QB बराबर है बाय R स्क्वायर, R का वैल्यू सेम ही है तो यहाँ से F2 का वैल्यू हो गया 9 इंटू टेन टू द पावर 9, QP का वैल्यू है और QA का वैल्यू, तो QA है 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन, और इसका वैल्यू है टेन टू द पावर माइनस सेवन निगेटिव में, पर हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन जो है निगेटिव साइन जो है डायरेक्शन बताता है। और R का वैल्यू ये हो गया 1 इंटू टेन टू द पावर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये F2 का वैल्यू हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू टेन टू द पावर 9 और इंटू 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस 14 बाय टेन टू द पावर माइनस 2। तो F2 का वैल्यू हो गया यहाँ से 9 इंटू 2 18 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं और निकालते हैं इधर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा F2 cos थीटा और F2 cos थीटा दोनों साइड का, A का कंपोनेंट भी इधर और B वाला जो फोर्स लगा रहा है उसका भी कंपोनेंट इधर। तो टोटल हो गया F x में अगर डायरेक्शन देखेंगे तो F माइनस x में अगर डायरेक्शन देखेंगे तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 2 F2 cos थीटा, और यहाँ भी थीटा का वैल्यू 45 होगा। तो ये हो गया 2 इंटू 18 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 45, तो 2 इंटू 18 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 और कॉस 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 18 रूट 2 इंटू टेन टू पावर माइनस 3 न्यूटन बच जाएगा
एफ निगेटिव एक्स एक्सिस में। तो अब जो नेट निकालेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, इधर एफ निगेटिव वाला जो वैल्यू हो गया वो ज़्यादा है एफ पॉजिटिव एक्स के साइड जो वैल्यू है, तो ये तुम्हारा एफ निगेटिव के साइड वाला ज़्यादा है, एफ पॉजिटिव के साइड वाला कम है। तो एफ नेट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू एफ निगेटिव ऑफ एक्स माइनस एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स, है ना। तो ये निगेटिव वाला था 18 रूट टू इंटू 10^-3 माइनस पॉजिटिव वाला है 9 रूट टू इंटू 10^-3। तो एफ नेट हो गया 9 रूट टू इंटू 10^-3 न्यूटन। और आगे अब फ्रिक्शन फोर्स जो निकालना था वो पूछ रहा था, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये पी पार्टिकल जो है रेस्ट में होना चाहिए, तो पी पार्टिकल को रेस्ट में रखने के लिए इसका फ्रिक्शन कोफिशियंट मिनिमम कितना हो कि ये रेस्ट में हो। तो उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये पार्टिकल में नेट फोर्स इधर लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड लग रहा होगा, तो राइट साइड लग रहा होगा, तो यहाँ से नाउ एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा एफ आर, मतलब एफ नेट का वैल्यू 9√2 इंटू 10^-3 है, तो एफ आर का वैल्यू म्यू एम जी, और म्यू एम जी मास पी पार्टिकल का मास है तुम्हारा 2 ग्राम, है ना, और म्यू का वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 9√2 इंटू 10^-3 इज इक्वल टू म्यू, और मास का वैल्यू 2 इंटू 10^-3 इंटू 10, जी का वैल्यू 10, तो म्यू का वैल्यू हो गया यहाँ से 9√2 इंटू 10^-3 बाय 2√2 इंटू 10^-3 इंटू 10। तो ये दोनों और ये कैंसिल हो गया, बच गया 9/10। तो ये म्यू का वैल्यू मिनिमम 0.9 होना चाहिए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, रहने दो, अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक है।